एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक अधिशासन और विकास मींस की गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, क्या चीज़ें होती हैं ये, इनका मीनिंग क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इस टॉपिक से आपको पढ़नी चाहिए। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें किस टॉपिक से क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको वही चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी बहुत ही कम टाइम में। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नेंस मीन्स कि एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी रूलिंग पावर जो कि एक सोशल पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू गवर्न करती है। मीन्स कि एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी सत्ता होती है जो कि सामाजिक राजनीतिक जो व्यवस्था है उस पे शासन करती है। एंड वो शासन करती किसके द्वारा है, तो उसमें उसके लॉज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं एंड शक्ति होती है, कुछ कानून होते हैं और उसकी जो अथॉरिटी होती है, जो उसकी पावर होती है, उसके थ्रू सोशल पॉलिटिकल सिस्टम पे वो गवर्न करती है, रूल करती है। अब हम समझते हैं कि गवर्नेंस कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली गवर्नेंस 5 टाइप की होती है। एक होता है आपका मोनार्की। मोनार्की मीन्स होता है कि जब एक ही पर्सन, मोनो मीन्स होता है एक ही पर्सन, दैट इज कि जब एक ही पर्सन टोटली अपनी जो उसकी इच्छाएं हैं, अपना जो निरंकुश शासन है वो फैलाने की कोशिश करता है, जैसे कि साम्राज्यवाद हिंदी में बोलते हैं इसको। तो क्या होता है कि जब एक कंट्री जो अपनी जो उपनिवेश दूसरे उसमें बनाना शुरू कर देता है और रूल करता है, तो दैट इज इसको बोलते हैं साम्राज्यवादी। तो वही अगर हम एक ही देश के अंदर देखें तो उसमें जब एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा टाइप का हो जाता है, दैट इज साम्राज्यवाद। लोकतंत्र, तो आपको सभी को पता होगा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पूरी जनता का, जनता के लिए, और इसमें सारा जो जितने भी लोग होते हैं सभी की भागीदारी होती है बराबर, और जनता के द्वारा चुने हुए नेता उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, दैट इज लोकतंत्र। कुलीन तंत्र क्या होता है, बेसिकली इसमें जो हायर क्लास के होते हैं लोग उनका शासन रहता है, वही लोग, जैसे कि पहले क्या होता था, पादरी होते थे, सामंत होते थे, तो अभी जो हायर क्लास के लोग हैं अगर उनका ही सिर्फ शासन हो, उन्हीं का आधिपत्य चले, वो रूलिंग पावर के रूप में काम करें, तो उसको हम कहेंगे कि वो कुलीन तंत्र है। मीन्स कि एक हायर क्लास का वर्ग है और वही के पूरा का पूरा रूल कर रहा है, सभी को गवर्न कर रहा है। अथॉरिटेरियनिज्म मीन्स कि अधिनायकवादी। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है और वो निरंकुश रूप से कार्य करता है, जैसे कि आपके हिटलर थे, मुसोलिनी थे, तो इन लोगों को अधिनायकवादी बोला जाता था क्योंकि इन्होंने मिलिट्री पावर के थ्रू सत्ता हथिया ली एंड उसके बाद निरंकुश हो गए कि हाँ हमें जो करना है हमें ही करना है, बस हमें जनता की कुछ सुननी ही नहीं है, जो लोग हैं उनका कुछ किसी का मानना ही नहीं है। इतना निरंकुश हो जाते थे कि अपनी मनमानी करने लगते थे, जो भी इनको सही लगता था बस वही रूल बन जाता था। मीन्स कि जो इन्होंने बोल दिया वही नियम बन गया और वही चीज़ें ये सही मानने लगते थे, वही चीज़ें ये करते थे। तो जब इस तरीके का शासन होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये अधिनायकवादी शासन है। अब जो 5th टाइप है वो है टोटलिटेरियनिज्म, यानी कि सर्वाधिकारवाद। इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि मार्क्स ने कहा था कि सर्वहारा वर्ग, सेम थिंग इसमें भी होती है कि जो जितने भी लोग होते हैं सभी को लगभग बराबर का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और सभी लोग बराबर उसमें भागीदारी करते हैं, सब बराबर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि मार्क्स ने बताया था। तो कुछ कुछ वैसे ही होता है सर्वाधिकारवादी जो गवर्नेंस होती है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है आपका गुड गवर्नेंस, यही मेनली आपको पढ़ना है। तो गुड गवर्नेंस क्या होती है, यानी अधिशासन। अधिशासन क्या है, क्या चीजें हैं जबकि एक गवर्नेंस को, एक सत्ता को गुड बनाती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक विधिक ढांचा। जब तक वो विधिक नहीं होगा, लीगली चीजें नहीं होंगी, तब तक वो गुड नहीं माना जाएगा। प्लस उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मीन्स कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी जान सके कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पारदर्शिता बहुत अनिवार्य है कि जो हायर अधिकारी है, जो एक उच्च अधिकारी है,
उसके बारे में भी, जो उच्च नेता है सबसे बड़ा उसके बारे में भी सारी चीजें जो बाकी लोग हैं उनको पता हो, हर एक विभाग में हर एक कामकाज में पारदर्शिता हो कि हाँ यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं और सभी को ये चीजें पता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गुप्त रूप से कुछ भी ऐसा होने लगे जो लोगों को पता ना हो। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नेंस के अंदर। वो रिस्पॉन्सिबल हो कि जो उसके नागरिक हैं, जो उसके सिटीजन्स हैं, उनको उनके राइट्स का कोई हनन ना हो, उनका वेलफेयर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सके, कैसे उनका कल्याण हो सके और किस तरीके से जो उनका नेशन है उसको उच्च स्तर पे लाया जा सके, किस तरीके से इस अर्थव्यवस्था को अच्छे से किया जा सके। मैं इसकी सारी चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गुड गवर्नेंस के अंदर आ जाती है। प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इक्विटी। इक्विटी तो मस्ट है कि इक्विटी होनी ही चाहिए, समानता तो होनी ही चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके और सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार मिले। जैसे कि अपने इंडिया में है तो निर्वाचित होने का भी सभी को समान अधिकार है और निर्वाचन करने का भी सभी को समान अधिकार है। इसी तरीके से सारे के सारे लोगों को समान अधिकार है कि वो शासन में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की गुड गवर्नेंस की निशानी होती है। गुड गवर्नेंस एक तरीके से इफेक्टिवनेस होना चाहिए। अगर प्रभावशाली ही नहीं होगा, लोग उसके प्रभाव को मानेंगे ही नहीं कि हाँ वो इफेक्टिव है, उसको कोई मानता ही नहीं है कि सरकार ने ऐसा किया तो हमें फॉलो करना है, तो फिर वो गुड गवर्नेंस नहीं कही जाएगी। प्लस इफिशियंसी होनी चाहिए, इतना पर्याप्त होना चाहिए कि जो जितने भी उसके चीज़ें हैं जो उसको करनी चाहिए वो सारा का सारा वो कर ले। पार्टिसिपेटरी उसमें होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी प्रतिभाग कर सकता हो, वो चाहे निर्वाचित होने के लिए हो, चाहे निर्वाचन के लिए हो, या फिर जो शासन करने के लिए हो, मीन्स कि सभी को प्रतिभाग करने का समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एंड ये सारी चीजें जब मिलकर के बनती हैं तो उसी को हम कहते हैं कि हाँ ये चीज जो है इसको हम गुड गवर्नेंस कह सकते हैं। अब जो गुड गवर्नेंस है ये विकास में कैसे इंपॉर्टेंट होती है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ भी किसी भी लीगली फ्रेमवर्क में किसी भी गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इक्विटी होगी, पार्टिसिपेटरी होगी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये होंगे तो उस देश का, उस कंट्री का, उस गवर्नमेंट के अंडर में बहुत अधिक विकास होगा, सभी को समान रूप से विकास के अवसर मिलेंगे और सभी का विकास हो पाएगा। तो ये एक दूसरे से बहुत ही कोरिलेटिवली जुड़े हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि शायद आपके एग्जाम में पूछ ले। वैसे तो बहुत सारी बुक हैं बट ये बुक्स मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। पहली बुक है गुड गवर्नेंस थ्योरी चैलेंजेस एंड केस स्टडी। ये बुक है जी एन सुब्बा राव एंड पी रे चौधरी की। अगली बुक है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये है बुक बी सी स्मिथ की। थर्ड बुक है इज गुड गवर्नेंस गुड फॉर डेवलपमेंट, ये बुक है जी के सुंदरम एंड अनीश चौधरी की। एंड जो लास्ट बुक है वो है री थिंकिंग गुड गवर्नेंस, ये लिखी है विनोद रॉय ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक थी एंड इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो मुझे लगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।